नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सुनो कहानी सीजन 1 स्टोरी नंबर 5 में। और आज हम सुनने वाले हैं कहानी एक राजा की। तो देखते हैं इस कहानी से आप क्या सीखेंगे। शुरू करें? ठीक है। फिर तो बहुत पुरानी बात है, एक बार एक पहाड़ के ऊपर एक राजा का बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य के लोग बहुत अच्छे, बहुत मेहनती थे, लेकिन राजा बहुत लालची और बहुत ही आलसी। लालची और आलसी, उस राजा को केवल दो ही काम आते थे, लोगों से अलग अलग तरह के उपहार लेना यानी गिफ्ट्स लेना, और सारा दिन आराम करना, मस्ती करना, ऐश करना, बस यही काम। पर क्योंकि उस राज्य में जो लोग थे वो वहीं रहते थे, वहीं उनके घर थे, अब वो परेशान तो थे पर वो वहाँ से जाते नहीं थे। महीने के हर पहले दिन राजा अपने पूरे राज्य के लोगों को एक जगह लाइन में अपने महल में बुलाता था और सबसे बारी बारी से कुछ ना कुछ उपहार लेता था। कुछ भी हो सकता था, रुपए भी हो सकते थे, सोने चांदी के सिक्के भी हो सकते थे, गेहूं भी हो सकता था, या और कुछ भी जो लोग देना चाहते थे या दे सकते थे वो राजा को देते थे। तो इस तरह से राजा आराम से अपना जीवन जी रहा था। अब राजा को खाने पीने का बड़ा शौक था, बहुत शौक था। उसे चाहिए था कि हर दिन उसके खाने में तीनों समय कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया और बहुत सारी तरह का खाना होना चाहिए। तो हर रोज वो अपने रसोइये को ये कहता था कि आज कुछ नया बनाओ, आज कुछ नया बनाओ। और जो रसोइया था और जो वहाँ के लोग थे उन्हें पता था कि राजा को तो सिर्फ खाने से मतलब है, टेस्ट से मतलब है, यानी स्वाद से मतलब है। तो अब चीज़ें वेस्ट हों, बेकार हों, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। तो जो लोग वहाँ काम करते थे अब क्योंकि किसी को परवाह नहीं थी, तो जैसे मर्जी आए, सब्जी आधी काटी आधी नहीं काटी, और ऐसे ही जिसका जैसे मन आए वो बनाते थे, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें वेस्ट हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजा के महल के पीछे एक नदी बहती थी, क्योंकि पहाड़ पर था ना तो वहाँ से नदी बहती थी। अब राजा के महल में जो चावल बनाए जाते थे वो चावल वहाँ के रसोइये नदी में जाकर धोते थे। नदी के पास गए और पानी में चावल को धोया और वापस ले आए। अब क्योंकि वो लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते थे कि वहाँ वेस्ट हो रहा है या बह रहा है, तो इसलिए वो पानी में धोते थे और ले आते थे। अब कितने चावल बचे कितने नहीं बचे इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। तो इस तरीके से राजा का बहुत सारा सामान ऐसे ही व्यर्थ हो जाता था, वेस्ट हो जाता था। अब आपको पता है हमारी लाइफ में हर वक्त अच्छे दिन तो नहीं रहते, कभी अच्छे दिन होते हैं कभी बुरे दिन होते हैं। और आपके मम्मी पापा ने भी आपको बताया होगा कि जब हम अच्छे बनते हैं, अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलता है, और अगर हम बुरा काम करते हैं तो हमें बुरा फल भी ज़रूर मिलता है। तो यही राजा के साथ भी एक बार हुआ। कैसे हुआ? एक बार क्या हुआ कि वहाँ उस राज्य में बारिश नहीं हुई। अब बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी, चावल की, सब्जियों की, फल की, उस पूरे साल कोई खेती नहीं हुई। जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग परेशान होने लगे क्योंकि लोगों के घर में खाना नहीं बचा, जो खाना था वो ख़त्म हो गया और उसके अलावा उनके पास कुछ था नहीं। तो धीरे धीरे करके ऐसा हुआ, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पूरे राज्य के लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जब उनके पास कुछ नहीं बचा, तब वे सब लोग राजा के पास गए और उनसे
राजा से विनती की कि महाराज हमारी मदद कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं, आप तो हमारे राजा हैं ना, आपका फर्ज बनता है हमारी मदद करना, और हम तो हर महीने आपको इतने उपहार देते हैं, इतने गिफ्ट्स देते हैं, इतनी सारी चीज़ें देते हैं, तो अब आपकी बारी है हमारी मदद करने की। लेकिन राजा, उसे किसी की मुसीबतों से कोई मतलब नहीं था। राजा ने तो सीधा एक जवाब दे दिया, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो, तुम्हारी मुसीबत है, तुम सोचो इससे कैसे निपटना है। मैं तुमसे उपहार लेता हूँ क्योंकि मैं राजा हूँ, ये तो मेरा हक है, और मैं तुम्हें अपने खजाने में से कुछ भी नहीं दूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब लोगों ने जब ये देखा कि राजा को तो उनकी कोई परवाह ही नहीं है, तो लोगों ने भी सोचा, ठीक है, अगर राजा को हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी राजा की कोई परवाह नहीं है। और धीरे 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 करके सारे लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें खाने पीने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो सब के सब लोग वहाँ से चले गए। अब अंत में ऐसा हुआ कि सिर्फ राजा अकेला बचा और बाकी सब वहाँ से चले गए। उसके सैनिक, उसके मंत्री, उसके नौकर सब चले गए। अब राजा को तब भी अक्ल नहीं आई। उसने सोचा, अरे सब चले गए तो क्या हुआ, मेरे पास इतना सारा खजाना है, इतना सारा खाना है, मैं काम चला लूँगा। अब राजा वहाँ से नहीं गया, लेकिन राजा के खजाने में जो भी चीज़ें थी वो हमेशा तो रहने वाली नहीं थी, एक दिन तो वो भी खत्म होनी थी। तो एक दिन ऐसा आया जब राजा की सब खाने पीने की चीज़ें खत्म हो गई। अब राजा क्या करे, तो राजा इधर उधर घूमने लगा। जब उसे लगा कि अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो यहाँ रहेगा तो शायद वो भूख से ही मर जाएगा, इसलिए वो भी वहाँ से चला गया। अब वो पहाड़ी से उतरकर जब नीचे आया, तो उसने देखा कि पहाड़ी के नीचे जो दूसरा शहर था, वहाँ पर एक मंदिर था। उस मंदिर में पूजा के बाद बहुत सारे लोग लाइन में बैठे हुए थे, और एक आदमी उन सभी को खाना खिला रहा था। अब क्योंकि राजा इतनी दूर से पैदल चलकर आया था, तो उसे भी बड़े ज़ोरों से भूख लगी थी। लेकिन उसने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मैं अगर ऐसे जाऊँगा तो सब सोचेंगे कि देखो देखो राजा तो भिखारी बन गया। इसलिए उसने क्या किया, उसने एक आदमी से चादर मांगी और उस चादर को लपेट कर वहाँ लाइन में जाकर बैठ गया। अब धीरे धीरे जब खाना परोसा जाने लगा, यानी कि खाना मिलने लगा, तो जब वो आदमी राजा के पास आया, तो उसने राजा की थाली में भी खूब सारे चावल डाल दिए। वो चावल खिला रहा था सबको, उसने चावल डाल दिए। राजा ने जब वो चावल खाए, राजा को इतने स्वादिष्ट लगे, इतने टेस्टी लगे, जितना टेस्टी उसे आज तक कभी खाना नहीं लगा था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक दिन से इतना भूखा था, वो जब से अपने महल से चला था तब से उसने कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। और जब हमें बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तो हमें जो भी मिलता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कई बार अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, या आप कहीं घूमने जाते हैं और बहुत देर हो जाती है, आपको खाना नहीं मिलता, और उसके बाद आप कहीं रुकते हैं या कहीं जाते हैं और आपको खाना मिलता है, तो अब उस खाने का स्वाद कैसा भी हो पर आपको बहुत टेस्टी लगता है। क्यों? क्योंकि जब हमें भूख लग रही होती है तो हमें जो भी मिले वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो राजा को भी वो चावल बहुत अच्छे लगे। अब खाना खाने के बाद जब राजा का पेट भर गया, तो राजा ने सोचा कि इस आदमी ने मेरी मदद की है, क्योंकि अगर मैं खाना नहीं खाता तो शायद मैं भूख से मर ही ना जाता या बीमारी ना हो जाता, तो मुझे इस आदमी को धन्यवाद कहना चाहिए। तो जब सब लोग चले गए, वो आदमी बैठकर अपना काम कर रहा था, तो राजा उस आदमी के पास गया और उसने उस आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे इतना स्वादिष्ट खाना मिला है।
और अब ये चावल खाकर तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता, और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। उस आदमी ने हंसते हुए राजा की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद मुझे मत कहो भैया, धन्यवाद तो उस राजा का। तो राजा ने सोचा, राजा का धन्यवाद? कौन से राजा का धन्यवाद? तो उस आदमी ने कहा, अरे वही राजा जो पहाड़ी पर रहता है, तुम्हें पता है उसकी वजह से ही तो आज तुम ये चावल खा रहे हो। तो राजा को समझ नहीं आया कि मेरी वजह से ये चावल इस आदमी के पास कैसे आए। उसने उस आदमी से पूछा कि राजा ने तो कभी किसी को चावल दान में नहीं दिए, तो उस राजा की वजह से तुम्हें चावल कैसे मिले। तो उस आदमी ने उसे बताया कि देखो, राजा के महल के पीछे एक नदी है। अब उस नदी में उसके रसोइये जब चावल धोते थे तो वो बिना देखे बिना सोचे ऐसे ही धो देते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे चावल पानी के साथ बहकर नीचे आ जाते थे। अब इतने सारे चावल वेस्ट हों व्यर्थ हों, उससे अच्छा हम लोग उसे इकट्ठा करके सुखा लेते थे और डब्बों में भरकर रख लेते थे। और तुम्हें पता है आज भी हमारे पास इतने सारे चावल हैं कि हम पूरे एक साल तक गरीबों को खाना खिला सकते हैं। तब राजा को पता चला कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई है। अब राजा सोचने लगा कि अगर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया होता इन सब चीजों की तरफ तो आज भी मेरे पास कितना कुछ होता, और शायद इतना होता कि मैं अपनी प्रजा के लोगों की भी मदद कर सकता। तो राजा की लापरवाही की वजह से उसके राज्य के लोग भी परेशान हुए, वो खुद भी परेशान हुआ और सब उसे छोड़कर भी चले गए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद से वो हमेशा हर काम को सोच समझ कर करने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? कुछ तो सीखा ही है ना हमने इस कहानी से। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमारे पास जो भी है, जो कुछ भी है, हमें उसका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी ऐसा दिन भी आ सकता है जब वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएं या कम हो जाएं, तब हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमें हर चीज का सोच समझ कर सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ब्रश करते हैं। अब ब्रश करते वक्त बताइए आप में से कितने बच्चे हैं जो ब्रश करने से पहले एक ग्लास में या एक कप में पानी भर कर रखते हैं? नहीं रखते ना, पता है मुझे। पर अगर हमारी सिर्फ इसी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हम कितना सारा पानी व्यर्थ कर देते हैं। और आप लोग सोचिए कि अगर एक बच्चा दो गिलास पानी वेस्ट करता है हर दिन, तो इस दुनिया के इतने सारे बच्चे जब रोज दो दो गिलास पानी वेस्ट करेंगे तो एक दिन में कितना पानी वेस्ट हुआ ना। इसलिए आज से ही आप ये आदत अपनी बदल लीजिए कि अब जब आप ब्रश करने जाएंगे तो सबसे पहले एक ग्लास या एक कप में पानी भर लेंगे, उसे रख लेंगे और उसी से ही ब्रश करेंगे, क्योंकि उतना पानी ब्रश करने के लिए काफ़ी होता है। छोटी छोटी आदतों से और छोटी छोटी चीज़ें बदलने से ही बड़ा बदलाव आता है ना। और एक एक गिलास पानी बचाने से पूरी दुनिया के बच्चे मिलकर कितना सारा पानी बचा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे, आज के लिए समय हो गया है बाय बाय करने का, और फिर हम मिलेंगे अगली कहानी में। नमस्कार, बाय बाय।